अच्छी पुस्तकें सहानुभूति में मित्र, शिक्षण में गुरु और संपूर्ण जीवन में नेक राह पर चलने की प्रेरणा देने वाले परमात्मा की तरह होती है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम चल पुस्तकालय ज्ञानमेथ। मनुष्य ने आदिकाल से अपनी प्रगति यात्रा आरंभ कर विकास के वर्तमान शिखर को प्राप्त किया है। मनुष्य की गौरव गरिमा का आधार ज्ञान परंपरा है। ज्ञान द्वारा उसने अधिक सामर्थ्य अर्जित किया और स्वयं को विशिष्ट श्रेणी में बिठाया। परंतु आज ज्ञानार्जन और सत्साहित्य पाठन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जीवन निर्माण की प्रेरणा और प्रकाश की भूख तभी बुझाई जा सकती है जब हम भावनाओं को ऊंचा उठाने वाले साहित्य से नियमित संपर्क बनाए रखें। इसके लिए ऐसे साहित्य की आवश्यकता होती है जो तथ्यपरक और सन्मार्ग प्रेरक हो। आज के समय में सही परामर्श देने वाले निस्वार्थी मित्र मिलना कठिन है, परंतु अच्छी पुस्तकों से मैत्री संबंध बनाया जा सकता है। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक ऐसी पुस्तक जो समझाती है कि साहित्य का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। वह सच्चे मित्र, सगे परिजन, हितैषी, पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक की कमी महसूस होने नहीं देती। उसका अध्ययन दूसरे नियमित कार्यक्रमों की तरह ही दिनचर्या का अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए। पुस्तकों से संपर्क स्थापित करने और अध्ययन का क्रम नियमित बनाने पर ही उनका लाभ मिलता है। पुस्तक के सद्वाक्य। ज्ञान ही वह विशिष्ट संपदा है जिसके बल पर मनुष्य वर्तमान सभ्यता और समाज के साथ अपनी संगति बिठा सके। एक लोह चुंबक को छूकर जिस प्रकार स्वयं भी चुंबकीय शक्ति से संपन्न हो जाता है, इसी प्रकार विचारों का, ज्ञान संपदा का संस्पर्श पाकर मनुष्य बौद्धिक चेतना भी सक्रिय और जीवंत होने लगती है। शिक्षा का समग्र अर्थ मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास है। ज्ञान साधना का मूल उद्देश्य अनुभव और विवेक बुद्धि का विकास और परिमार्जन करना है। जब कभी निराशा छाई हो, कोई रिक्तता, कमी या ऊब अनुभव हो रही हो, तब उपयुक्त विषय की पुस्तक मन स्थिति की अस्त व्यस्तता को दूर करने में तुरंत प्रस्तुत रहती है। उत्तम पुस्तक उसकी रचयिता मनीषी के व्यक्तित्व का ही प्रतिबिंब है। साहित्य का अर्थ है जो हमारा अधिक से अधिक है। अच्छी पुस्तकों में अच्छे विचार होते हैं। अच्छे विचार, उदात्त भावनाएं, भव्य कल्पनाएं जहां भी हैं वहीं स्वर्ग का सा वातावरण बनता है। पुस्तक के कुछ मुख्य बिंदु। उत्कर्ष का आधार ज्ञान, ज्ञान संपदा और उसकी प्राप्ति, अच्छी पुस्तकें सच्चे मित्र, पुस्तकालय ज्ञान देवता के मंदिर, युग निर्माण योजना, चल पुस्तकालय प्रयोग।